मैंने अपने आप को देखा है, अपने रूप को, अपनी अंतरात्मा को अपने में से उभरते देखा है। हम सब पृथ्वी ग्रह के यात्री हैं जो खोज की यात्रा पर निकले हैं। मैं पार्वती के बारे में सोचती हूँ जो नृत्य की देवी, हिमालय की पुत्री और नृत्य के सृजक शिव नटराज की वधू है। शक्तिमान हिमालय के ऊंचे शिखरों पर भगवान नृत्य करते हैं। उनकी छवि हर जगह है। वो जल, आग, पवन और पृथ्वी के साथ नृत्य करते हैं। मैं उनकी आराधना नृत्य से करती हूँ। दिं तदिं तदिकटतां दित्तां दित्ते भानु किरण प्रसार वीचिकलुगुवेवगामुल चीलु कवचिन सकलिगिंतल अपुटे वीतु मानस सरोवर सुवर्ण कमल कांति मधुमानस विकसित जाति पुष्पमूल परमेश्वर हृदय मूरंजिल्लगा हृदय पीटिकलो नाट्यमाडे देवा नागभूषण वेग नन्नेनु कोरा प्रकृति लोपल बरं ज्योतिये विलसिल्लु प्रलय तांडव मूर्ति बालनेत्र नी नाट्य ज्योति निगिल लोकाललो निंडु पुल्लमलागे निंटियुंडे परमेश्वर नीकु प्रणतुलि विकोलोयि दिविंपु मामोमो दिव्य प्रभावे पार्वती ने नृत्य को पृथ्वी पुत्री तक पहुंचाया। खजुराहो में भारतीय नारियां जिनके पास कीर्ति की उपलब्धि और पार्वती की शक्ति है, जो पूर्ण नारी हैं, चित्रकारों, संगतराशों और कवियों का आदर्श हैं। कौन सी चित्तवृत्ति में उन्होंने नृत्य किया, कौन सी शैली ने उन्हें प्रेरित किया, इस विशाल मंजर में मैं कहाँ हूँ? लास्य या तांडव के उन्नत प्रकार और शैलियाँ, देसी या मार्गी, सुंदर, समर्थ, पारंपरिक शैलियों की पत्थरों पर लिखी गई उत्कृष्ट कविताएं हैं, जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए घर कर चुकी हैं। ताल की थाप पर आकृतियाँ जीवन के सुंदरतम सांचे में ढलने लगती हैं और मूर्तियों में
जीवंत होने लगती हैं। ये सनातन स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं, गूंजती रहती हैं, और मैं इनका एक हिस्सा हूं। खजुराहो से देवी की राह पर चलकर मैं दक्षिण आ गई। मैं उन मंदिरों में विचरण कर रही हूं जहां पर बलशाही राजाओं ने गंगाजल लाकर भगवान की पूजा की थी। क्या मैं उन्हीं में से एक हूं जो मंदिर की दीवारों पर है? क्या मेरे जीवन में उनकी आवश्यकता है? अपने उत्तरों की खोज में मैं चिदंबरम का रुख करती हूं। चिदंबरम, यहां सभी नर्तक पार्वती के स्वामी को श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। इन्होंने इसी पवित्र स्थल पर आनंद तांडवम नृत्य किया था, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं था जो इस मोक्ष देने वाले नृत्य के भार को वहन कर सके। यहां से चिदंबरम तिल्लई, नियमबद्ध संसार का केंद्र। इंसान का दिल भी इसी नियमबद्ध संसार का सबसे सर्वोत्तम हिस्सा है। जिन भक्तों ने भगवान से अंतर्दृष्टि की प्रार्थना की, उन्हें वरदान मिला, क्योंकि वे उन्हें नृत्य करता देख सके। एक महिला भक्त अपना सारा जीवन भगवान के हजारों रूपों की पूजा आराधना में लगा देती है। लिंगम सृष्टि निर्माण और होनियों का प्रतीक, सारा ब्रह्मांड इनका नृत्य ही तो है, और हम सब इस नृत्य की लय के हिस्से। यहाँ इस विशाल मंदिर में संत भरत का नाट्य शास्त्र, प्राचीन मूल नृत्य सूत्रों का संकलन मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया है। हर भाव भंगिमा
पत्थरों में उभरा एक पाठ। हजारों सालों के बाद मैंने भी उनके नृत्य की व्याख्या की। मैंने उनकी नाट्य सभा में नृत्य किया। நட்டனம் ஆடின நட்டனம்
उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हमारी सभ्यता की परंपराओं की सनातन गाथा हमारे मंदिरों की कहानियों में बार बार कही गई है। प्राचीन तमिल संस्कृति के केंद्र मदुरई में पार्वती देवी मीनाक्षी का रूप ले लेती है। हिमालय से सुंदरेश्वरा के रूप में शिवजी देवी मीनाक्षी से विवाह करने आते हैं। ये दिव्य विवाह साल दर साल दोहराया जाता है। बारात में वधु पक्ष के घर ब्रह्मा, विष्णु और उनके परिजनों सहित सारे देवी देवता आते हैं। देवी को अपने प्राणेश्वर की जरूरत है, फिर भी उन्हें अपनी शक्ति एक कुंवारी देवी की तरह संभाल कर रखनी है। क्या मैं भी अपने आप से पूछूं और देवी मीनाक्षी की तरह एक पति ढूंढूं? हाँ, ज्योतिषी के तोते ने जवाब निकाला, पार्वती की तरह पति के रूप में तुम भी एक महान कुंवर होगी और अपने प्रेम में सफल होगी। मैं अपने आप को खोज रही हूँ, क्या वो मुझे समझती हैं? मुझ पर प्रसन्न होंगी? हे देवी मीनाक्षी, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने आप को ढूंढने में मदद करो। तुम तो जगत माता हो। जगत जननी उकबाणी कल्याणी, जगत जननी उकबाणी कल्याणी, जगत जननी उकबाणी कल्याणी, जगजननी सुखस्वरूपिणी मधुरवाणी, सुखस्वरूपिणी मधुरवाणी, सुखस्वरूपिणी मधुरवाणी, स्वकलाधर्मनौ महिळुम मीनाक्षी, स्वकलाधर्मनौ ജഗജനനി കല്യാണി, ജഗജനനി പാണ്ഡ്യകുമാരി ഭവാനി അംബാ, പാണ്ഡ്യകുമാരി ഭവാനി അംബാ, ശിവ ശങ്കരി പരമേശ്വരി വേണ്ടും വരം തര ഇന്നും മനമില്ലയോ, വേണ്ടും വരം തര ഇന്നും മനമില്ലയോ, വേണ്ടും വരം തര ഇന്നും മനമില്ലയോ, വേദവേദാന്ത നാദ സ്വരൂപിണി, വേദവേദാന്ത നാദ സ്വരൂപിണി, ജഗജനനി സുഖവാണി കല്യാണി, ജഗജനനി സുഖവാണി കല്യാണി, ജഗജനനി. पार्वती और मेरे बीच लाखों सालों का अंतर है, फिर भी क्या हमारा लक्ष्य एक नहीं? प्राचीन मान्यताएं केरल में हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक बार जब शिवजी को राक्षस भस्मासुर से खतरा था, तब विष्णु ने
एक सुंदर नर्तकी मोहिनी का रूप धारण कर शिवजी को बचाया था। शायद इसी के बाद से वो नृत्य मोहिनी अट्टम कहलाया। दिम तल दिमी दिमी तक जोनु तक द्रुकुर तक ता दिन गिन्नतों तारिंगड़तों बदे वे यदी कल्याणी देही में मंगलों जय मंगलों नित्य मंगलम भयंकर युद्ध के बाद जब देवी कन्याकुमारी ने दुष्ट बाणासुर को पराजित किया, तब देवताओं ने देवी को हमेशा के लिए दक्षिणी समुद्री तटों पर रहने को कहा। वहां वो शिव की प्रतीक्षा में रहने लगी। दुल्हन इंतजार करती रही। अंततः प्रतीक्षा से निराश होकर उन्होंने अपने आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वही आभूषण रंगीन रेत और शंख सीपियों में परिवर्तित हो गए। आज भी वो पवित्र देवी अपने प्रभु की बाट चू रही है। जिस तरह वो दूर क्षितिज में कुछ ढूंढ रही है, उसी तरह मैं भी वो कुछ ढूंढ रही हूँ जिसका मुझे ज्ञान नहीं। पर मैं उन राहों पर चलती हूँ, रुकती हूँ और फिर चलती हूँ, इस आशा में कि कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरी खोज पूरी होगी और मैं अपने आप को ढूंढ लूंगी।